फंड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनको चूज कैसे करते हैं जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों 2022 एक बहुत ही अलग तरीके से स्टार्ट हुआ है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट बहुत त्राही मची हुई है मार्केट में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज द फर्स्ट डाउन टर्न हैव एवर सीन So, जाहिर सी बात है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने पैसे को कैसे देखें बहुत सारे लोग एफ की तरफ जाने शुरू कर रहे हैं ना 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 लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इज अ ग्रेट आइडिया जो होपफुली आपको पता है बट यूर नॉट वेरी श्योर ऑफ वॉट टू डू अबाउट इट द बेस्ट वे टू एंटर इन टू द स्टॉक मार्केट इज नॉट बाई पिकिंग अप स्टॉक्स जो आपको लगता है

then what should be the split? इसका एक बहुत ही अच्छा सा rule है which is called the हंड्रेड minus x rule. ये बोलता है कि अगर आपकी उम्र x है फर्ज करिए 25 साल है then हंड्रेड minus x which is 75 should be in percentage terms jitna aap equities mein invest karenge and baki should be in safer assets which could be fixed income assets ye sari cheeze mutual fund bhi cover karti hain but if i were to answer that question at one point तो अगर आप x उम्र के हैं, x या हैंक्टीज दिस इज ऑल लॉन्ग टर्म अब इसमें म्यूचुअल फंड कहां से आते हैं वॉट इज म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड इज बेसिकली पोर्टफोलियो स्टॉक्स जिसको कोई और मैनेज कर रहा है आप एक्सपर्ट नहीं है मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा ये स्टॉक खरीदो ये स्टॉक खरीदो ये स्टॉक खरीदो बिकॉज आई डोंट डू दैट पर्सनली माई सेल्फ मैं हमेशा एक्सपर्ट्स पर रिलाई करता हूँ पीपल जिनकी ट्वेंटी फोर सेवन काम है इक्विटीज रिसर्च करना उनके बैलेंस शीट पढ़ना उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना उनके कंपनी के बारे में रिसर्च करना एंड देन फिगर आउट विच वन कैन मेक गुड रिटर्न फॉर देयर कस्टमर्स अब म्यूचुअल फंड अलाउ यू टू बाय टू अटन आइडिया जैसे कि स्मॉल केस भी करता है

कम है बट थीम्स हैं आप टोटल स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप सिर्फ डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप सिर्फ लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप सिर्फ मिड साइज कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं सो ऑन एंड सो सोफोर्थ सो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बट एट अ हाई लेवल एंड वी वॉन्ट टू ड्राइव दैट दैट ब्रिंग्स अ क्वेश्चन की म्यूचुअल फंड और स्टॉक में अंतर क्या है क्योंकि अगर कोई ये बोलता है कि यार मैंने ये पांच स्टॉक खरीदे हुए हैं तो मैं वो पांच स्टॉक ही खरीद देता हूँ म्यूचुअल फंड क्यों खरीदना है

आपको कम कम से एक 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 कंपनी का खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि फंड मैनेजर है जिसका पूरा काम है इस म्यूचुअल फंड को संभालना तो वो एक्टिवली इस म्यूचुअल फंड को रीबैलेंस कर रहे हैं मतलब इसको अपडेटेड रख रहे हैं अगर एक कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही उसको थोड़ा निकाल दिया या कम कर दिया एक कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है उसको थोड़ा बढ़ा दिया या उसको इंट्रोड्यूस कर दिया ये सारी चीजें आप और मैं नहीं कर सकते हमारे पास ना टाइम है ना एक्सपर्टीज है but somebody else is doing that that is हाँ, उसके लिए हमें एक कॉस्ट देना पड़ता है जो कि हम लास्ट क्वेश्चन में आंसर करने की कोशिश करेंगे बट इन माई ओपिनियन दैट इज अ वेरी स्मॉल कॉस्ट

क्वल बहुत ही टाइट रेंज में चलता है एन आई बिल शो यू द्राफर फंड म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि एक्विटीज या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें फिक्सड इनकम या फिक्स रेट ऑफ रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट या एसेट्स नहीं होते हैं एंड देन नेचुरली अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं देन अ थर्ड कॉम्बिनेशन विच इज अम्बिनेशन ऑफ दीज टू ऑल्सो एक्सिस्ट

लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारी होती है।, में। जब मैं बोलता हूं, में करना है तो किस में इन्वेस्ट करना है क्या रिलायंस में इन्वेस्ट करना है टाटा में इन्वेस्ट करना है कोई रैंडम वारीकू फर्टिलाइजर या वारीकू केमिकल्स कंपनी लॉन्च हुई है जो बहुत तेजी से रातों रात स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है उसमें इन्वेस्ट करना है क्या फार्मा में इन्वेस्ट करना है या बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है क्या टेलीकॉम में इन्वेस्ट करना है सो

क्या मिड टर्म है इज बिटवीन टू या लॉन्ग टर्म है इज ग्रेटर देन ये तीन यूजुअली हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं एंड देन वाई एक्सिस पे आप अपने आप अपने से ये पूछ रहे हैं कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है लो रिस्क मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क अब हाई रिस्क जब मैं बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ना बोलेंगे इसका मतलब ये है कि आप हाई रिस्क कम मात्रा में लेंगे लेकिन लेंगे जरूर बिकॉज इट मे सर्व अ हायर रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैसे जानते हैं अब ये नौ खाने बन चुके हैं विच मीन्स नाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस डिपेंडिंग ऑन वेर यू आर सो फर्स्ट करिए कि आप ग्रेटर देन फाइव ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड दैट इज अ क्वेश्चन यू आस्क मैं कहां इन्वेस्ट करूं ग्रेटर देन फाइव ईयर्स के लिए द लो रिस्क कैटेगरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें भी सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट कर रही है रिलायंस टाटा इंफोसिस विप्रो एजियन पेंट दूजल ये लो रिस्क क्यों है ये लो रिस्क इसलिए है क्योंकि ये कंपनीज बहुत प्रूवन है इन टर्म्स ऑफ द्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है इन द लास्ट सेवरल ईयर स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सेबिश है मैनेजमेंट काफी स्टेबल है एंड द फंड मैनेजर हु इज मैनेजिंग दिस इज गोइंग टू इंश्योर कि ये कंपनीज जो हैं ये रातों रात, रात हिलेंगी नहीं क्योंकि फ्रेंकली इन कंपनीज को रातों रात कुछ होता नहीं है सो यू आर टेकिंग कंसिडरबली लोअर रिस्क ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड बाई इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मीडियम रिस्क लॉन्ग टर्म में क्या हुआ मिड कैप म्यूचुअल फंड ये वो कंपनीज हैं जिनका साइज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं या साइज ऑफ द द कंपनी मान लीजिए दैट इज समवेयर इन मिडिल ये अभी ना बड़ी है और छोटे से बड़ी हो चुकी है इसमें रिस्क क्यों है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई कंपनी बंद हो जाए कोई कंपनी स्लोअर ग्रोथ में चली जाए कोई कंपनी में कोई डिस्ट्रेस हो जाए एंड ऑल ऑफ दैट विल बी मैनेज बाय द म्यूचुअल फंड बट इट इज पॉसिबल

वेरी हाई रिस्क लेकिन उस हाई रिस्क के चलते शायद, शायद हाँ हैं तो लेट्स लुक एट दिस थ्री म्यूचुअल फंड एच डी एफ सी चूज किया है ये रेकमेंडेशन नहीं है मैंने पर्सनली इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है सो इट इज नॉटमेंडेशन मैं सिर्फ कंपेरिजन के लिए आपको एच डी एफ सी के लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूं

लुक एट एवरी डिक्लाइन तो ये ये डिक्लाइन डिक्लाइन देखिए एंड मैं जरा जूम इन करने की कोशिश करता हूं ये अगर आप डिक्लाइन देखेंगे यू विल सी जब लार्ज कैप का डिक्लाइन हुआ तो इट वेंट फ्रॉम हियर टू हियर सो करीब करीब 200 का एन था फर्ज कर लीजिए स्टॉक प्राइस था उस म्यूचुअल फंड का एंड इट वेंट टू अबाउट वन लेकिन स्मॉल और मिड कैप और तेजी से गिरा सो स्मॉल कैप या मिड कैप जो था वो 325 का था एंड इट वेंट सो परसेंटेज टर्म्स में इट डिक्लाइन एंड लीजिए जो 2020 में COVID की वजह से हुआ था लार्ज कैप वेंट फ्रॉम टू टू से अबाउट एंड रेड वाला जो है विच इज द स्मॉल कैप सॉरी मिड कैप इट वेंट फ्रॉम थ्री सिक्सटीन टू ऑल दू जीरो फोर

मीडियम रिस्क के लिए आप सिमिलर एक हाइब्रिड मल्टी कैप फंड लेंगे मल्टी कैप फंड वो होते हैं जो कि एक्विटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं लेकिन अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज लार्ज मीडियम एंड स्मॉल इसीलिए वो हाई रिस्क है क्योंकि एक्विटीज में ही फुल इन्वेस्टमेंट है कहीं भी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है तो दो से पांच साल के अंदर ऐसा हो सकता है एंड ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं करी है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उन दो से पांच सालों में आपने सिर्फ में इन्वेस्ट किया एंड आपका पैसा बिल्कुल भी मूव नहीं किया सिर्फ साइडवेज चलता रहा जीरो एक दो चार परसेंट या एफ से कम परसेंट आपको रिटर्न मिला एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट दैट इज व्हाई इट्स हाई रिस्क एंड देन फाइनली शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इज लेस देन तो आपको आइडियली इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज ओवर अ ईयर पीरियड इक्विटीज कैन गो एंड आप अपने पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते दैट इज नॉट वाइज इन्वेस्टिंग तो दो साल से नीचे वाले जो जो भी म्यूचुअल फंड होंगे वो ज्यादातर लिक्विड या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स ही होंगे आर म्यूचुअल म्यूचुअल वो होते हैं जैसे कि मैंने बताया था फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में इन्वेस्ट करते हैं चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो कॉपोरेट बॉन्ड्स हो वगैरह हो एंड दैट इज दे इंश्योर अ स्टेबल रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो आप ऊपर ऊपर नीचे उपर नीचे देख रहे हैं ना इस ग्राफ में वो आपको नहीं दिखता है फॉर एक्साम्पल अगर आप एच डी एफ सी का लिक्विड फंड देखेंगे लिक्विड फंड इज द बेस्ट प्लेस टू पार्क मनी अगर आप एक छोटे पीरियड के लिए एक स्टेबल इनकम चाहते हैं सी दिस ग्राफ ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट है कहीं ऊपर नीचे है ही नहीं अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तीन साल का रिटर्न देखेंगे पांच साल का रिटर्न देखेंगे मोटा मोटा वही है तीन से पांच परसेंट विच इज ऑलमोस्ट वॉट एफ डी विल गिव यू नथिंग विच इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट सो यू विल पार्क योर मनी हियर ओनली एंड ओनली बिकॉज आप एक छोटे पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं सो फॉर शॉर्ट टर्म लो रिस्क बेस्ट ऑप्शन इज अ डेट म्यूचुअल फंड फॉर शॉर्ट टर्म मीडियम रिस्क विल बी अ लिक्विड फंड एंड फॉर शॉर्ट टर्म हाई रिस्क मतलब आप शॉर्ट टर्म में भी हाई रिस्क लेने के लिए तैयार है दैट विल बी अ हाइब्रिड फंड जिसमें ज्यादातर डेट होगा लेकिन कुछ परसेंटेज इक्विटी हो सकती है बिकॉज यू विलिंग टू टेक दैट हाई रिस्क सो दिस इज द टोटल ग्राफ एंड दैट इज हाउ यू वुड गो अबाउट पिकिंग योर म्यूचुअल फंड अब सवाल यह होता है कि मेरा रिस्क क्या है आइडियली एंड दिस इज Completely driven by, मुझे नहीं पता कि आप कौन है मुझे नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है बट इफ यू वुड रिकमेंडेशन कि अगर आप खर्च कर रहे हैं तो क्या आप वो पूरे के पूरे पैसे लो रिस्क में डाल दें या पूरे के पूरे हाई रिस्क में डाल दें आंसर इज नो आपको एक कॉम्बिनेशन अप्रोच फॉलो करना चाहिए माई सजेशन इज सेवेंटी परसेंट या सत्तर रुपये में से आप लो रिस्क में डालिए ट्वेंटी फाइव परसेंट मीडियम रिस्क में एंड फाइव परसेंट इन हाई रिस्क

रिस्क नहीं ले रहे होंगे फॉर दैट टाइम पीरियड फाइनली क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट इन सबको करने के लिए अगर कोई और इंसान आपके लिए सारा काम कर रहा है हाउ भी, किसी भी स्टॉक को अगर आप देख रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग एट द एच डी एफ सी हाइब्रिड इक्विटी फंड हाइब्रिड क्या है इसमें डेट भी है एंड इक्विटी भी है सी दैट द एक्सपेंस रेशियो इज वन पॉइंट वन परसेंट इसका मतलब अगर आप एक लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उसका वन पॉइंट वन परसेंट मतलब करीब करीब ग्यारह सौ रुपए विल बी यूज एज एक्सपेंस रेशियो टू मैनेज दैट फंड ये ग्यारह सौ रुपए जाते हैं फंड के पूरे मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए इफ यू बाय थ्रू अ प्लेटफॉर्म लाइक कॉइन Then आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है बिकॉज यू आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड रेगुलर म्यूचुअल फंड जहां आप एक एजेंट या थ्रू खरीद रहे होंगे विच इज यूज आय पेरेंट्स यूज टू डू वहां के एक्सपेंस रेशियो हायर होते हैं क्यों बिकॉज उन एजेंट का जो कमीशन होता है वो भी उस एक्सपेंस रेशियो में जुड़ा होता है सो प्लीज स्मार्ट इन्वेस्टर्स ओनली एंड ओनली बाय डिरेक्ट म्यूचुअल फंड नॉट रेगुलर म्यूचुअल फंडस एंड

100 यूनिट अगर आपने खरीदे हैं तो 15 से ज्यादा यूनिट बेचते हैं तो आपको 1 परसेंट देना पड़ेगा अगर आप 15 से कम बेचते हैं तो कुछ नहीं देना होगा अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं तो कुछ नहीं देना होगा विच इज अ ग्रेट प्लेस टू बी बिकॉज यू आर एज इट इज इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट लोड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं इसीलिए लिक्विड फंड अगर आप देखेंगे क्योंकि लार्जली शॉर्ट टर्म के लिए यूज होते हैं उनका एग्जिट लोड बहुत कम होता है पॉइंट जीरो जीरो सेवन परसेंट एंड दैट मीनस फ यू आर बाइंग ए लिक्विड फंड एंड सेलिंग इट आपको सिर्फ पॉइंट जीरो जीरो सेवन परसेंट देना पड़ेगा वो भी अगर आप सिर्फ दो दिन के अंदर ही ले लेते हैं अगर आप सात दिन के बाद वो म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा विच इज एग्जैक्टली हाउ दीज लिक्विड फंड है कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन चार सवालों के थ्रू कितना म्यूचुअल फंड में डालना है म्यूचुअल फंड स्टॉक्स खरीदने से कैसे अलग होते हैं

that most others cannot even imagine. And it's so many people who could it, And then at the age of 30, 35, 40, when they're sitting with family responsibilities, expenses and so on, they're regretting that they don't have investment corpus, and they have to now see 20 more years of working before they get their financial independence. I wouldn't want any one of you to be that person. On that note, Ankur Warikoo, signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो सेकंड्स विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दिस लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डू सब्सक्राइब करिए पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल